निकल नहीं रहा है। आपने दो दशक पहले क्या सोचा था कश्मीर को लेकर? देखिए, उस समय जो कश्मीर था उसमें दो प्रकार की परिस्थितियां थी। एक तो सरकार के दो दलों में संघर्ष था, फारूक अब्दुल्ला में और गुलशाह में। तो वो दोनों इन प्रवृत्तियों को, जिन्हें हम आतंकवादी के रूप में पहचानते थे, उनको वो आगे बढ़ावा दे रहे थे। और एक स्थिति तो यहां तक थी कि वहां के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि भाई आप उधर जाओ और सीख के आओ, मगर जगमोहन जी की नजर में न पड़ो। दूसरी बात यह थी कि वहां से पंडितों का निष्कासन हो रहा था और वो एक सोची समझी नीति के तहत हो रहा था। उसके लिए जब हमने पहला दौरा किया था तो बड़ी एक दर्दनाक स्थिति थी और चिंताजनक थी, और साथ ही आक्रामक आक्रोशित लोग दिखाई देते थे कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं चलेगा। आज परिस्थिति दूसरे प्रकार की है। आज परिस्थिति में जो घटना चक्र हुआ है वो शासन के दो दलों के कारण से नहीं हुआ है। शासन बिल्कुल एकजुट है इस समय। ये जो एक कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट, उसमें से पैदा हुआ है। और इसकी उत्तेजना में बाहरी जितना भी इनपुट है उसके अलावा एक आंतरिक उत्तेजना है। वो गलत है, सही है, वो एक विवाद का विषय है जी। उसको हल करने के लिए आज हम वहां शासन में, उस समय हम शासन में वहां नहीं थे। तो इस परिस्थिति को संभालने में ये बात जानने की जरूरत होगी कि ये जो आंतरिक आक्रोश है हमारी अपने बच्चों में जो है, इसको कैसे निपटाया जाए। दूर तक गए हमारे लोग इसमें कि हम जो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, उनसे भी मिलने को तैयार हैं, और वो हमसे मिलने को तैयार नहीं है। ये भी तो एक परिस्थिति है ना कि हम तो सुलझाने के लिए सरकार इतनी दूर तक आगे जा रही है और वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जहां बात करेंगे तो सब खुल जाएगा, राज खुल जाएगा, इसलिए वो बात नहीं करेंगे हमसे। मैं ये समझता हूं इस समय आवश्यकता इसलिए है कि हमें वहां बड़े व्यापक तौर पर इन बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। छोटे बच्चे 10 साल, 12 साल, 14 साल, तो ये उकसाए जा रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं और अपनी फौज के खिलाफ पत्थर बरसाने के लिए कहा जा रहा है। ये स्थिति ऐसी होती है कि कल चल के लोग फौज के खिलाफ बंदूक उठाने लगे, वो गलत बात होगी। तो उसको होने से पहले इसको संभालना और इसको रोकना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि इस समय प्रधानमंत्री जी ने बड़े संयम से काम लिया है इसमें, और संयम की ही जरूरत है। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी फौज को कहें कि इनको, इनके ऊपर गोलीबारी चलाओ, ये नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ उनका आक्रोश देखिए, आप जानते हैं बच्चों का आक्रोश संभालना बड़ों की तुलना में ज्यादा कठिन होता है, तो वो कठिनाई है। और मैं ऐसा समझता हूं कि लोगों को ये जब पता लगेगा कि दो पुराने वो लोग जो एक दूसरे से विरुद्ध थे आज मिलकर एक परिस्थिति को सुलझाने का काम कर रहे हैं, तो रास्ते निकलने आसान होंगे। और एक तरह से सारी पार्टियां जिस तरह से मिलकर इस समय एक साथ हैं, वो परिस्थिति उस समय नहीं थी जब हमारा विरोध हो रहा था वहां जाने के लिए। आज ऐसा नहीं है, आज सब वहां जाएंगे, सब मिले, हर पार्टी के लोग गए कि वे हमसे बात करने के लिए आए हैं, बात करो। अब उनको ये दिखाना होगा, हमें बताना होगा
कि ठोस हम क्या देंगे, कैसे देंगे, वो समय लगेगा। आप ऐसे मामलों में कोई चीज तत्काल नहीं कह सकते। नहीं, तत्काल की बात नहीं है। 24 कितने बरस हो गए, लगभग 1992 में आप गए थे, उस लिहाज से कहिए तो 24 बरस हो गए। जो 24 बरस के बच्चे हैं उनका जन्म ही एक लिहाज से समझे तो उसके बाद हुआ जब आप वहां पर गए थे। क्या इन 24 बरस में कश्मीर बदल गया, या कश्मीर को देखने का नजरिया जो दिल्ली का है वह बदला इस बीच में, क्या परेशानी आई? देखिए, ये बदलाव तो दोनों तरफ होता है। बदलाव की शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब उन्होंने समस्या के निदान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा कि कश्मीर की समस्या का निदान जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के दायरे में हो, क्योंकि कश्मीर में एक मनोवृत्ति है कि कश्मीरियत कोई एक ऐसी चीज है जो उनकी विशेषता है। अब ये उनको आज तक नहीं समझाया गया कि वो कश्मीरियत इस हिंदुस्तानियत का ही एक अंश है। जो हिंदुस्तानियत है वही कश्मीरियत है। मैं नहीं समझता कि कोई कश्मीरियत में ऐसी चीजें हैं जो हिंदुस्तानियत के विरुद्ध हैं। लेकिन मामले को इंसानियत के दायरे पर सुलझाने की जरूरत है आज खासतौर पर, कम से कम। तो जो उन्होंने रास्ता दिखाया था उसमें से अगर आप केवल जमहूरियत और कश्मीरियत पर बहस करते रहेंगे तो शायद बहुत देर लगेगी, लेकिन अगर इंसानियत के रास्ते पर हम उन्हें ले आए और ये दिखा दें कि ये सरकार जो केंद्र में बैठी है और ये जो फौज भी यहाँ खड़ी है ये इंसानियत के दायरे में काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी चीज़ों का समाधान हो सकता है। तो आपको लगता है जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कश्मीर को, उन्हें स्टेप्स की जरूरत है या उसको कुछ और चाहिए? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसे मामलों में जो एक तो सीधी सीधी बात सरकार और जनता की होती है, लेकिन एक जिसे कहते हैं आप पर्दे के पीछे की राजनीति, तो एक बड़ी संख्या में हमें ये प्रयत्न करने होंगे कि वहाँ के लोगों से, यहाँ के लोग जो नॉन पॉलिटिकल हों, साहित्यकार हों, संगीतकार हों, समाजशास्त्री हों, अध्यापक हों, वैज्ञानिक हों, जो जिनके बारे में लोगों को ये भरोसा हो कि इनकी पर्सनल पॉलिटिक्स कोई नहीं है, तो मैं समझता हूँ शायद ज़्यादा कारगर होगा लोगों को भरोसे में लाने के लिए। क्योंकि आप भी जिक्र किया करते थे अखंडता का, या अखंड भारत का जिक्र आपने कई बार किया, और जब बीजेपी के अध्यक्ष थे तब भी आपने किया। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भी जिक्र होकर आ गया। सिर्फ जिक्र करने से अखंडता की स्थिति आएगी, या आपको लगता है नहीं कुछ और अब आगे कदम उठाने का वक्त आ गया है? देखिए, ये बहुत जटिल बात है, इसको साधारण सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। एक तो अखंडता यह है कि जो हमारा देश मौजूदा है ये खंडित न होने पाए, एक अखंडता का ये दृष्टिकोण है। दूसरा यह है कि जो हमारा देश 1947 में हमें मिला था वो अखंड रहे, तो उसमें तो पाक अधिकृत कश्मीर आता है, वो भी भारत का अंग है, भारत ने मिलना चाहिए। पार्लियामेंट ने, संसद ने दो दो बार प्रस्ताव किया है इसके ऊपर कि वो सब हमारा है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसके एक हिस्से को जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसने चीन को लीज कर दिया या डोनेट कर दिया, बिल्कुल उसमें चीन आ गया, तो समस्या बढ़ती गई। जो अभी उसने कहा है ना हमारे सेना के सेनाधिपति ने कि भाई जब दो दिन का मामला था तब तो हमने कब्जा नहीं किया, तो अब ये एक कदम, उस समय जो हमारे नेता थे उन्होंने कुछ सोच के वो नहीं किया, तो वो नहीं किया तो नहीं किया, अब उसका कैसे रास्ता निकाला जाए ये हमारे आपके जिम्मे पर है। पर अगर उसका रास्ता निकालना है तो ये दोनों तीनों कदम उठाने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो ये बलूचिस्तान का मसला उठा दिया है ये उस दृष्टि में एक बहुत अच्छी कूटनीति भी है और रणनीति भी है, क्योंकि अब या तो इसमें चीन को सोचना पड़ेगा कि भाई ये तो भारत का हिस्सा है और ये बिल्कुल असर्ट कर रहे हैं, उस पर आग्रह कर रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, उसकी तो सारी जो अरब सागर में जाने की योजना है और एक बड़ी सड़क बनाने की योजना है वो ठप हो जाती है। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। और बलूचिस्तान में, वो तो बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान को मिला नहीं था, वो तो जिन्ना ने कब्जा किया था, तो उसका कहना है, जायज़ कहना है कि भाई हम कब थे तुम्हारे हिस्से,
तुम्हारे साथ रहे भी लेकिन तुम तो हमें पचा नहीं पाए हो, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। तो कहने का हक उसे है। इसके तोड़ में वो कश्मीर के मामले में ये नहीं कह सकता कि हमने कश्मीर में कब्जा थोड़ी किया है, कश्मीर तो हमें जो देश के अंदर रियासतें शामिल हुई उसी तरह से शामिल हुआ, एक्सेशन हुआ। नहीं, हर मौके पर जिक्र वाजपेयी डॉक्ट्रिन का होता है। वाजपेयी डॉक्ट्रिन के समय आप खुद सरकार में थे और मौजूदा वक्त में आप बाहर से चीजों को देख रहे हैं, क्या मौजूदा वक्त की स्थितियां वाजपेयी डॉक्ट्रिन का विस्तार है या एक दूसरी स्थिति आ चुकी है देश के सामने? देखिए, स्थिति कोई भी हो, जहां तक कश्मीर जो भारत के अंदर है, जितने जो हमारे ही अधिकार में है, उसके लिए देखने का दृष्टिकोण तो वाजपेयी डॉक्ट्रिन के अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि वो तो उस हिस्से को अगर हम अंगीकार करके अपने दिल से नहीं लगा के रख सके और उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि भारत के तमाम लोग जो हैं वो और कश्मीर एक ही है, क्योंकि वरना वो कहते ना तुम हिंदुस्तानी हो, हम कश्मीरी हैं। ये जो अलगाव हुआ है कि तुम हिंदुस्तानी हो हम कश्मीरी हैं, उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये बात वहाँ फैलाई है उनसे कैसे डील किया जाए, और जो फैल गई है एक तरह के अनबोझ बच्चों में, उसको कैसे डील किया जाए। फिर जो पिछली सरकारें कश्मीर में रही हैं उन्होंने जो भ्रष्टाचार वहाँ किया है उसके परिणाम स्वरूप जो वहाँ विकास नहीं हुआ, जो लोगों की शिक्षा नहीं हुई, जो लोगों की चिकित्साएं नहीं हुई, जो उनको जॉब्स के नौकरियों के आगे रास्ते नहीं खुले, तो वो उसका कारण है। वो देखना चाहते हैं कि भाई हम अगर हम भारत हैं तो भारत की तरह हमारा विकास होना चाहिए। तो ये ओके, हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बार एक ऐसा मौका आया जब संसदीय प्रतिनिधि मंडल वहां पर गया तो उसमें वैसी पहुंचते हैं मीरवाइज के घर पे और मीरवाइज अपने घर का दरवाजा उनके लिए नहीं खोलते हैं। एक माइनॉरिटी का शख्स एक कश्मीरी माइनॉरिटी के घर पे गया और हिंदुस्तान के भीतर उसके बाद एक बहस चल पड़ी, क्या कश्मीर के भीतर की स्थितियां बाहर का माइनॉरिटी भी नहीं समझ पा रहा है या उसको स्पेस नहीं दिया जा रहा है, कौन सी स्थिति है ये? देखिए, वो तो अगर आप महबूबा जी का वक्तव्य पढ़ें कि केवल 5% लोग हैं जो इस उपद्रव के पीछे हैं, 95% शांति व्यवस्था और भारत के साथ एक देश के हिस्से के तौर पर काम करना चाहते हैं। ये तो अब महबूबा जी का स्टेटमेंट है जो किसी समय इस तत्व को स्वीकार नहीं करती थी, वो स्वयं बोल रही हैं। और ये जहां उपद्रव हो रहा है वो क्षेत्र का उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी रहा है। तो इसलिए ये तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के राजनीतिज्ञों में उस दिन बदल आ गई जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। अब वो स्थायी बदल रहे और वो जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत को पर अमल करें, अब ये जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है ना अमल करने की। हम तो उसके लिए रास्ते दे सकते हैं, उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो कर सकते हैं, मगर उसे काम में लाने की क्रियान्वयन करने का तो उत्तरदायित्व अब महबूबा जी पर है मुख्यमंत्री के नाते। तो इसलिए स्थिति में ये एक परिवर्तन है। पहले की सरकार हमारे साथ नहीं थी, अब की ये सरकार केंद्र की सरकार के हिस्से के तौर पर भी काम कर रही है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है और आप देखते हैं कि बहुत से लोग जो पहले अलगाववादियों में थे वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में भी आए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि कुछ तो बदलाव आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी आ जाएंगे और ये समस्या का निदान पलक झपकते हो जाएगा ऐसा मैं नहीं समझता। लेकिन इसमें अगर हम लगे रहे और प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए हैं वो और आगे उसी तरह से बढ़ें और भारत के जिन लोगों का मैंने उल्लेख किया है, आप सभी के लोग भी जाएं कि जो पत्रकार भी जाएं, मगर जिनके बारे में ये हो कि इनकी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, तो वो फिर बच्चों से और वहाँ के समझदार लोगों को साथ मिला सकते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सोचा, धारा 370 को लेकर जो आप लोग के जहन में सवाल रहे, वो सारी चीज़ें डाइल्यूट होती चली जा रही हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि वो डाइल्यूट होती जा रही हैं। ये सवाल मेरे से पहले भी किया गया था। मैं ये मानता हूँ कि ये एक बहुत ही साहसिक प्रयोग किया गया है ये समझाने के लिए कश्मीर के तमाम भाइयों को
कि 370 आपके फायदे में है कि नुकसान में, उससे आपको नुकसान क्या हो रहे हैं ये भी तो समझिए ना। और अब ये बहस कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो उठाया था कि हम भूल गए, भूले तो नहीं है, लेकिन जब उठाया था तब दूसरी स्थितियां थी, तब वो इशू इसलिए महत्वपूर्ण था कि कश्मीर के साथ जो हमारे सरकार के लोगों के संबंध थे, यानी कश्मीर की सरकार के साथ, वो एक होस्टाइल लोग थे हमारे लिए, देश के लिए। जो आखिरकार को जो लोग बैठे थे वो तो पहले वही थे जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, और जिनके साथ भारत की सरकार के तरह तरह के संबंध बिगड़ते बनते रहे। आज तो परिस्थिति दूसरी है। और दूसरी बात यह है कि 370 का लाभ और हानि ये तो तभी समझेगी जनता जब वहाँ के लोग उसको समझाने में शामिल होंगे। अब हमको, मेरा विश्वास ऐसा है कि हमारे साथ अब महबूबा भी शामिल होंगी बात समझाने में, क्योंकि वो भी तो बोल रही है ना कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो अब आपको मौका मिले जाने का, तो आप जाना चाहेंगे? नहीं, मैं मुझे जाने में क्या, नहीं जाने का मतलब है कि समाधान और स्थितियों को, वो तो सरकार का काम है। देखिए उसमें जो कोई उनको उचित लगेगा कि किस किस को जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो तो एक अलग बात, लेकिन मैं अपने तई वहाँ कुछ करूँगा तो वो तो अनुचित होगा। सरकार, क्योंकि इस समय जो जिम्मेदारी है वो दो सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, तो जो उसको वो उचित समझती हैं वो काम होना चाहिए, उसको जाना चाहिए, अगर जिस किसी की भी कोई उपयोगिता हो। लेकिन जोशी जी, जो मैसेज है कश्मीर के भीतर, हम लोग भी जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, वहाँ के भीतर जो मैसेज ये क्यों आ रहा है कि मौजूदा वक्त में जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट में उनको वाजपेयी वाला औरा नज़र नहीं आता है, उनके जहन में अखलाक का सवाल भी है, उनके जहन में वेमुला का सवाल भी है। देखिए वो सवाल तो इस परिस्थिति में आज वहाँ नहीं है। उनका सवाल जो हो सकता है वो ये हो सकता है, अगर है तो, कि जिनके संबंध पाकिस्तान से हैं वो ये जान करके कि पाकिस्तान इसमें बहुत कमज़ोर भूमिका में है, पाकिस्तान की अपनी जो ज़मीन है वो खिसक रही है, तो उसको मजबूत करने के लिए वो इस प्रकार के काम कर सकते हैं, कर रहे हों या आगे और करेंगे। क्योंकि अगर उनके लिंक्स वहाँ मौजूद हैं, जैसा कि अब और साबित हो रहा है कि लिंक्स मौजूद हैं, तो फिर तो वो बाज नहीं आएंगे। आखिरकार को आज जो ये स्थिति है इसमें पाकिस्तान आज पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर भूमिका में है। आज दुनिया में आतंकवाद के उद्गाता के रूप में वो मौजूद है, कि वहीं पाकिस्तान में ही आतंकवाद का उत्सव है, उसी ने जन्म दिया है सारे एशिया में आतंकवाद का, और फिर जो बढ़कर के यूरोप में भी पहुंच गया है। पहले उस समय अमेरिका उसकी पुश्त पर खड़ा था बिल्कुल, आज वो नहीं है। तो हमसे चुप कहाँ हो रही है? कश्मीर भारत का हिस्सा, हम पाकिस्तान का जिक्र भी क्यों करते हैं? हम नहीं कर रहे, हमारा अपना इंटरनल मसला है, हम इंटरनल मसले को इंटरनली सुलझाएंगे। हम ये क्यों जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान कैसे, वो तो सीमा एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, हजारों की तादाद में सैनिकों की मौजूदगी है। देखिए दो उसमें बातें हैं, उस सीमा की रेखा के बावजूद भी जो आगे का हिस्सा है वो भी भारत में आने के लिए बेचैन है। हमें ये बताना होगा कि देखो वहाँ क्या हो रहा है, वो बलूचिस्तान क्या कह रहा है, और वो जहाँ ऊपर गिलगिट में आप समझते हैं कि वो बहुत दूर है भारत से, लेकिन वो भी नहीं, वो कहता हम तो यहाँ ठीक हैं, ये तो हमारा देश है, हम इसके साथ हैं। सवाल यह है इसमें कि जो पेच डाला है वो पाकिस्तान ने डाला है चीन को बुला करके, और किसी समय अमेरिका ने चीन से संबंध बढ़ाए थे किसिंजर साहब के ज़माने में, उसका फ़ायदा चीन ने उठाया है, उसने पाकिस्तान का अपने हिसाब से लाभ उठाने की कोशिश की है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम इस कमज़ोर हालत के पाकिस्तान को किस तरह से डील करें, और दूसरी तरफ ये जिनके के लिंक वहाँ हैं उनको बताएं कि भैया ये सौदा घाटे का है जहाँ तुमने दोस्ती कर रखी है, उसे बाज आओ, उसमें कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग पॉलिटिक्स का सवाल है, वहाँ समझाना पड़ेगा कि तुम जहाँ जा रहे हो, जिनकी बातें कर रहे हो, जिनके इशारे पर कर रहे हो,
वो अब अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। ओके, हम आपने एक बड़ा लंबा अनुभव है आपके पास, इसलिए आज ये बड़ा मौजूदा अच्छा वक्त है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो एक नेशनलिज्म का उभार होता है, राष्ट्रवाद एक लोगों के भीतर उभार होता है, और जब जब चुनाव की स्थितियां जहां जहां जैसे जैसे आती है वहां वहां ये नेशनलिज्म अपने तरीके से कश्मीर का जिक्र करके, पाकिस्तान का जिक्र करके, कहीं मुस्लिमों का जिक्र करके ये उभारा जाता है। चंद मिनट पहले बीजेपी के एक नेता मुलायम को जिन्ना परस्त कहते हैं, यूपी में चुनाव है, कहां से जिन्ना की एंट्री होगी, हम उस पे नहीं आ रहे हैं, यूपी से चुनाव, हम यूपी चुनाव नहीं आ रहे हैं, हमारे भारतीय राजनीति क्या उस मोड में चली गई है जहां पे नेशनलिज्म भी एक थ्रेट है और उसके आश्रय लोग सोचे हैं। अब देखिए, नेशनलिज्म एक थ्रेट तो कभी भी नहीं होता, थ्रेट के समय अगर कोई उद्धार करने वाली चीज होती है तो नेशनलिज्म होती है। अमेरिका में जब जब कभी परिस्थिति आती है तो अपने झंडे को लेकर चलते हैं, ये हमारे झंडे का अपमान हो रहा है, हमारे झंडे की साख का सवाल है। रूस पे जब कभी थ्रेट आता है तो वो मार्क्स लेनिन को याद नहीं करता, वो कहता वो परम प्रतापी जार के पुत्रों तुम्हें ये करना है। चीन में जब थ्रेट आता है तो वो भी कोई कम्युनिज्म का जिक्र नहीं करता, वो भी अपनी हुन डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी इन्हीं का जिक्र करता है। तो ये तो इसको ये कहना कि नेशनलिज्म थ्रेट है, नेशनलिज्म तो वास्तव में संजीवनी है, वो तो बचाता है आपको। जो इन लोगों के सामने संघर्ष है या द्वैत है वो ये है कि वो एक तरफ ग्लोबल और एक तरफ लोकल, ग्लोबल और लोकल, उनका नेशनलिज्म का पूरा कंसेप्ट ही गलत। अब आपसे मैं जानता हूँ, जब पहली बार गया था यूरोप जी, तो वहाँ यूगोस्लाविया था, यूगोस्लाविया था, अब कहाँ है, तब तो दो ही नेशंस थे, ये कहा जा रहा था अब ये जोड़ के बनाए गए हैं, अब जो बनाए वो तोड़ के बना दिए, अब फिर नेशन हो गए। हमारे यहाँ तो 27 स्टेट्स हैं पर वो 27 नेशंस तो नहीं है। गलती यहाँ हो रही है कि हम ये समझते हैं कि जैसे अमेरिका में है वैसे यहाँ हो। अमेरिका की जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो अलग अलग कंपनियों का जोड़ है, ये सब कंपनियां थी, कैलिफोर्निया एक कंपनी थी, आपका ये टेक्सास एक कंपनी थी, एक कोई और कंपनी थी, ये कंपनियां बनी थी, उन कंपनियों ने मिलके एक बड़ी होल्डिंग कंपनी बना ली, उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो उनके एसोसिएशन का भी अधिकार है, उनकी नेशनलिज्म में कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, हम तो हजारों साल से इस देश में रहते रहते एक हमने संस्कृति, एक कॉमन जीवन पद्धति, उस सब का विकास किया, और अलग अलग राज्य होते हुए भी हमारे यहाँ राष्ट्र एक था। तो हमारी जो राष्ट्रीयता की कल्पना है वो, और जो उसका आधार है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो कल्चरल है, सांस्कृतिक है, भावात्मक है, उनके यहाँ वो तो बिजनेस है। अब आप देखिए वो ग्रेट ब्रिटेन कहाँ जा रहा है, अब तो लिटिल इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा है, लिटिल लंदन की तरफ बढ़ रहा है, और कल फिर यूरोपियन यूनियन का क्या हाल होगा हम नहीं जानते, क्योंकि कंस्ट्रक्ट नहीं होती, नेशन इज नॉट ए कंस्ट्रक्ट। कि आपने मिलके चार आदमी मिल गए बोलिए हमारी नेशन हो गई, वो जैसे वो कर रहा था ना उसमें मथुरा में, वो भी एक नेशन बना रहा था जवाहर बाग में जो कर रहा था। तो ऐसे थोड़ी नेशन बनती है, लोगों ने उसको कहा यहां से। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमें पहले यह समझना होगा कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार क्या है। ये राष्ट्रीयता का आधार कभी भी खतरा नहीं हो सकता। तो हमारी राष्ट्रीयता का आधार सांस्कृतिक मूल्य हैं या धार्मिक मूल्य हैं? देखिए, धार्मिक और सांस्कृतिक में एक थोड़ा सा लोगों को फिर मतिभ्रम होता है। धर्म क्या है, जिसको आप रिलीजन कहते हैं अगर उसको धर्म मानेंगे तो फिर अर्थ में अनर्थ हो जाएगा। धर्म तो एक सनातन शाश्वत चीज है, यूनिवर्सल चीज है, एक कॉस्मिक नियम है, ब्रह्मांड की प्रकृति के संचालन के नियम है। तो इसलिए वो धर्म तो हमारे यहाँ मानव धर्म है, वो यूनिवर्सल है, और कई जगह वो कर्तव्य के रूप में है, जैसे पितृधर्म, पुत्रधर्म। अब बच्चा छोटा होता है तो उसके पालन करने का जिम्मा किसका है, बाप का है? नहीं, अब वे ऑफ लाइफ में आ रहे हैं हम, वे ऑफ लाइफ में नहीं कह, हम बोले बहुत साफ, हिंदू राष्ट्रवाद ये शब्द की उत्पत्ति आरएसएस के जरिए हुई।
देखिए, और मैं इसमें ये हिंदू शब्द जो लगा के लोग उसका जो अनर्थ करते हैं कि हिंदू को एक पूजा पद्धति मानते हैं, वो नहीं है। हिंदू तो एक वे ऑफ लाइफ है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय यही है और हमारी भी हमेशा से कल्पना यही रही है कि भाई जीवन पद्धति एक सी है। अनेक ऐसे विद्वान हुए हैं, मैं आपको बताता हूं, सर सैयद अहमद 1984 में उनका भाषण है गुरदासपुर में, शायद वहां किसी ने उनका परिचय कराते हुए एक आम सभा में ये कहा कि अब एक मुस्लिम नेता का भाषण होगा तो नाराज हो गए। उन्होंने कहा मैं मजहब के नाते, जरूर मेरा मजहब इस्लाम है, लेकिन मैं भी वैसा ही हिंदू हूं जैसे आप। उन्होंने उदाहरण दिया कि इंग्लिस्तान में रहने वाला इंग्लिश, तुर्किस्तान में रहने वाला तुर्क, अफगानिस्तान में रहने वाला अफगान, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू। हाँ, मजहब के नाते मालूम, अगर आप हिंदू को उसी तरह का मजहब बना के सोचेंगे तो जरूर गड़बड़ हो। लेकिन फिर संविधान में इस बात का जिक्र है, संविधान हिंदू को एक धर्म के तौर पर संविधान ने माना है, कहीं नहीं माना हिंदू ने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसीलिए एक सेकुलरिज्म की सोच सामने नहीं, नहीं, वो सेकुलरिज्म तो हिंदू स्वयं है। और ये संविधान में न तो नेशन शब्द का उल्लेख है, सिवाय एक एंट्रीज जो है संविधान की, उसमें उल्लेख है कि ये 3-4 इंस्टीट्यूशंस नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, BHU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। बाकी संविधान में आपको नेशन नहीं मिलेगा। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो अमेरिकन पैटर्न पर है। इंडिया इज दैट इज भारत इज ए नेशन, ये शब्द नहीं है उसमें, ना ही कहीं धर्म का जिक्र है। बाद में हमारे प्रियम्बल में, पूर्व भूमिका में जोड़ा गया कि ये एक सेकुलर स्टेट है, पंथ निरपेक्ष, पहले कहा जा रहा था धर्म निरपेक्ष, अब आ गया पंथ निरपेक्ष। तो ये समझने की जरूरत है इन सारी चीजों को, और ये बताने की जरूरत है, ये बच्चों को पढ़ाए जाने की जरूरत है। हम पढ़ाते नहीं, आखिर शिक्षा की जो मंत्रालय की जो स्थायी समिति थी उसके अध्यक्ष थे उस समय श्री SB चौहान, कांग्रेस के थे। उनकी अध्यक्षता की कमेटी में उसने कहा कि ये सब बातें पढ़ाई जानी चाहिए, वैल्यू बेस्ड शिक्षा होनी चाहिए, और वो यहां तक कह गए कि रिलीजन इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ वैल्यूज, उन्होंने कहा, और सब पार्टियों के दस्तखत हैं उस पर। तो आप कब क्या कहते हैं अपने पॉलिटिकल मोटिव से, वो मैं नहीं कहना चाहता। मैं तो जो मुझे दिखता है जो ठीक है वो ये है, आपको अपने देश के लिए ये तो बताना ही पड़ेगा कि आपके जीवन मूल्य क्या है, ये देश क्यों है, ये क्यों नहीं अभी तक टूटा, इतने इसके ऊपर आक्रमण हुए, प्रत्याक्रमण हुए, इतनी गरीबी है, उसके बाद लाखों करोड़ों लोग वो अपना पैदल ही चले आते हैं कुंभ में नहाने के लिए, सैकड़ों लोग दौड़ते चले जाते हैं पानी चढ़ाने के लिए कांवर थी, ये कहां से आ गई बात, ये कौन उनको बताता, कोई सरकार का ऐलान नहीं होता कि भाई ये चलो कांवर थी, आए चले गए, आप चलो वहां से गंगा जल लेके और शिव जी पर चढ़ाओ, कौन कहता उनसे। जन्माष्टमी आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई, कोई सरकार ऐलान करता, सरकार तो उल्टे कहती भाई इतनी ऊंचे मत चलो, हांडी इतनी ऊंची मत रखो, मगर वो हांडी रखनी है। ये गणेश चतुर्थी जो चली थी पूना से तिलक महाराज से, वो आज कानपुर में मैं देखता हूं कि बहुत उत्साह से मनाई जा रही है, कहां से आ गई है ये जो एक एकत्व की भावना कि ये मेरा है, ये जिस जिस में जिस मात्रा में पैदा होती चलती है। तो आपकी ये सोच आप ही के जरिए अयोध्या आंदोलन के वक्त क्यों नहीं आई, वे सोच तब भी वहां थी नहीं, हाँ आप वहां मंदिर को किसी रूप में देख रहे थे, मस्जिद को किसी दूसरे रूप में? ना, हमने कभी मस्जिद शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। नहीं, आपने नहीं किया, लेकिन जो लोग सोच, वो तो सोचाए गए, हाँ वो तो सोचाए जाने वालों की तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये राम मंदिर का आंदोलन करने वालों में सबसे पहले कांग्रेस के नेता शामिल थे, साधु संत तो बाद में आए, और हम तो उनके समर्थन में गए कि भाई ये बात ठीक कर रहे हैं। गुलजारी लाल नंदा कौन थे, शुरुआत तो मज हुई, पहली मीटिंग जो राम मंदिर में
ताला खुलवाने के लिए तो शुरुआती दौर में, और नेहरू ने भी उस पर कहा, नेहरू वेहरू ने, मैं तो 1963 की बात कर रहा हूँ जब बेटा शुरुआती दौर का, और वो शाहबानों का मामला नहीं हुआ होता तो ताला नहीं खुलता। तो इसका राजनीतिकरण और उसमें हिंदू मुस्लिम का भेदभाव तो कांग्रेस के गवर्नमेंट ने किया, जो नहीं करना चाहिए था। आपको शाहबानों के मामले में आपने निर्णय पलटा तो आप दम ठोक के कहते कि हमने निर्णय बदला और हम वो ठीक समझते हैं। आपने कहा इससे देश में नाराजगी पैदा हो रही है, उन्हें राम मंदिर उठा दिया। बातें तो वहां से है ना, अब आप ये बताना पड़ेगा। तो हर पहल तो वाकई कांग्रेस के दौर में हुई, चाहे वो शिला पूजन की हो, माने आप देखें तो हर वक्त कांग्रेस ही थी। ये सही आपने आज सवाल उठाया, तो फिर बीजेपी ने इसको क्यों चाहा कि नहीं, नहीं, हमारा योगदान है। हमने तो ये कहा कि ये इस आंदोलन को, इस भावना को देश भर में कि वहां एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, बनाएगा कौन? हमने कहा साधु संत बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएगी। हमने कभी ये नहीं कहा सरकार बनाएगी, वो बनाएंगे, जो ट्रस्ट है वो बनाएगा। और ये भी हमने नहीं कहा कि ये हिंदू का मसला है, हमने कहा देश भर का मसला है। इस देश के जो पूर्व पुरुष हैं इतिहास में, जो जिनको हम मानते आए हैं, वो सबके लिए सांझे हैं। कोई आज ये कह सकता है कि ताजमहल मुसलमानों का मैं देखने नहीं जाऊंगा? कोई कह सकता? कोई कह सकता है कि मैं अजंता एलोरा नहीं जाऊंगा हिंदुओं की है, या कोणार्क में नहीं जाऊंगा? तो हर कोई ये क्यों कह रहा है कि राम मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए या बनना चाहिए? देखिए वही तो पॉलिटिक्स है ना, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूं। मैंने तो आपको बहुत पहले ही कहा ना कि मेरा जो आपसे संवाद है वो संवाद तथ्यात्मक है, वो पॉलिटिक्स का नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स जो आती है उसका नुकसान होता है, वो आप देख रहे हैं। ये सबसे ज्यादा नुकसान तो आप लोगों ने पहुंचाया। नहीं, हमने कोई नुकसान नहीं, पॉलिटिक्स उसी पे हुई सर। देखिए अगर आप माधव गोडबोले की पुस्तक पढ़ें, जो वो गृह मंत्री था उनका, माननीय श्री नरसिंह राव जी का, तो बात साफ हो जाएगी। पढ़ लीजिए उसको कि क्या होता रहा यहां, क्या होता रहा और नरसिंह राव जी क्या करते रहे। माने ये सब बातें करने का मतलब यह है कि आप ये समझें कि जिस चीज को हम नॉन पॉलिटिकल रखना चाहते थे और चाहते हैं उसको किसने पॉलिटिसाइज किया? किसने किया? अयोध्या को किसने पॉलिटिसाइज किया? कांग्रेस ने। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या उन्होंने इतिहास बता रहा, तथ्य बता रहा है? कांग्रेस को हुआ उसका लाभ, नुकसान तो हर को हुआ, जो भी कुछ हुआ उसके लिए। तो वो लोग जो उस समय कट्टर उस ढांचे को रोकने वाले थे, उन्होंने भी कहा चलो अच्छा है, कलंक चला गया। लेकिन एक कद्दावर पॉलिटिशियन अगर राम रथ यात्रा निकाले और सोमनाथ से चले अयोध्या की दिशा में, तो उसको पकड़ा किसने? क्यों पकड़ा? सवाल ये है कि यात्रा निकल रही है, हमने तिरंगा की यात्रा निकाली थी, एकात्म यात्रा, इसमें कांग्रेस कहीं नहीं थी। नहीं, नहीं। पकड़ा जिसने ना, वो कांग्रेस का नहीं, 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 पर वो उस समय प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का नहीं था। लेकिन आप ये देखें हुआ क्या उसमें, उसमें ये हुआ कि एक मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मुझे ये बताने के लिए कि मैं एंटी बीजेपी हूं, एंटी हिंदू हूं, मेरे यहां से तो यात्रा निकाल दी और दूसरे से पकड़वा दी। तो ये बोला जा रहा है ना। तो सवाल यह है कि कौन पॉलिटिक्स कर रहा है उस पर। तो अब जब अदालत में है तो रास्ता क्या है? तो हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि इसके तीन ही रास्ते हैं, या तो आपस में समझौता कर लीजिए, या कोर्ट पे चले जाइए, उसके फैसले पर अब इंतजार कीजिए, तो बचा नहीं। तो सवाल तो यही है ना, अब आप कहीं तो टिकेंगे ना, कि हर चीज में आप ये कहेंगे कि उसको राजनीतिक रंग देना ही चाहिए। ये वही सवाल है जिससे देश में नुकसान होते हैं। क्यों उठाए जा रहे हैं ये सवाल? वो जिसको, जिस आग को शांत करने की जरूरत है कि उसे भड़काने की जरूरत है, हम ये पूछ रहे हैं।
आखिर अगर समाज में ये है धारणाएं, गलत धारणाएं फैली हुई हैं, तो उनको आप ठीक करें या उनको और उकसाएं? नहीं, आज आप बिल्कुल एक अलग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस की भीड़ से अलग है, और वो हर पॉलिटिशियन को देख रहा है कि तुम्हारी पॉलिटिक्स गलत, तुमने देश को आहत किया। वो एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, वो पीवी नरसिम्हा राव भी हो सकते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, उसमें हम कैसे हो, आप ही नहीं, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, पत्रकार कोई कम थोड़े ही उसमें। तो ये निरपेक्ष भाव जो आज आप में आया है, लेकिन आपकी भूमिका हर दौर में हर मुद्दे को लेकर उस तत्कालिक स्थिति और आज की स्थिति में इतना अंतर क्यों आ गया है? मेरी भूमिका तो तब भी उसी आधार पर थी जिस पर मैं आज हूं। मैं तो तब भी यही कहता था कि राम सबके पुरखे हैं, और बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने राम की तारीफ में उसको इमाम हिंद कहा। ये तो सवाल ये है कि इसको बिगाड़ा किसने इन बातों को? इसका मतलब है कि मुरली मनोहर जोशी काशी और मथुरा के साथ नहीं खड़े हैं। नहीं, मैं तो सारे देश के साथ खड़ा हूं, काशी मथुरा क्या सवाल है, आपके साथ भी खड़ा हूं। काशी हमारे देश की सबसे पवित्र नगरियों में से एक है, प्राचीन नगरियों में से एक है, मथुरा श्री कृष्ण की लीला स्थली है, और हमारे मुख्यमंत्री इस प्रदेश के उसको कितना सुंदर बना रहे हैं। ये बात दूसरी है कि कुछ दिनों तक उसमें एक अलग भारत भी बनता रहा, लेकिन अब वो साफ हो गया हुआ, लेकिन विकास हो रहा है। मेरा कहने का प्रश्न ये है कि आप किसी भी सवाल को एक दृष्टिकोण की संकीर्णता से देखते हैं या विशालता से देखते हैं? पॉलिटिक्स की जरूरत है संकीर्णता में आना। अब वो हो, लेकिन हम तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं मूलतः, हम तो हमारे विश्वविद्यालय में इलाहाबाद में वो थे फिराक साहब, उर्दू के, बिल्कुल उनकी एक लाइन मुझे अक्सर याद रहती है, जो जहर हलाहल है अमृत भी वही, लेकिन मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। नहीं तो भारतीय राजनीति अब गालिब से लेके फिराक तक जाएगी। वो तो वाल्मीकि से लेके फिराक तक आ चुकी है, और आगे कहाँ तक जाएगी, आगे का दृश्य आप देखेंगे। अच्छा, ये संयोग कहिए या स्थितियां कहिए, कश्मीर का मसला हमने जिक्र किया, हम मंदिर पे आए, और उसके बाद देखिए हम जैसे ही कदम रखते हमारे जहन में आया सवाल गंगा। गंगा को आप फिर किस रूप में लेते हैं? नमामि गंगे को एक वक्त तो आपने भी खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? अविरलता है नहीं, बांध बनाएंगे आप, बांधेंगे आप? देखिए, इस पे मैंने जो हमारी एस्टिमेट कमेटी है उसकी एक रिपोर्ट दी हुई है, और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। हमारा सदन का नियम यह है, संसद का, कि उस कमेटी के अध्यक्ष या सदस्य जो कमेटी की हमारी रिपोर्ट है उससे के संदर्भ में कुछ बोल नहीं सकते बाहर। तो इसलिए जो मैंने वहां लिखा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जो लिखा है उसे पढ़ लीजिए, वो तो अब संसद की प्रॉपर्टी है। और मुझे खुशी है कि उसकी बहुत सी चीजों पर मंत्रालय उचित निर्णय भी ले रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व की 10 सबसे पुरानी बड़ी नदियों को, जिनको लगभग मृत प्राय घोषित किया है, और जो सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, ये दुर्भाग्य हमारा कि जिसे हम राष्ट्रीय नदी कहते हैं वो उनमें से एक है। गंगा और मीकोंग दोनों ही दक्षिण एशिया की नदियां हैं, उनको सबसे अधिक प्रदूषित और डाइंग रिवर्स डिक्लेयर किया गया है। तो ये अब हमारा धर्म बनता है अपनी राष्ट्रीय नदी को जीवित रखने के लिए। तो नदी का जो मुख्य प्राण है वो तो जल है ना, जब वो कह रहे हैं डाइंग है इसका मतलब है जल सूख रहा है, तो वो जल उसमें बना रहे, ये तो हमारा अपने आप कर्तव्य बन जाता है। बिना उस जल के नदी क्या, जल के तो नदी होती नहीं, तो वो जल उसमें निरंतर बना रहे, ये तो सरकार ने बहुत पहले अंग्रेजों की सरकार ने मालवीय जी के साथ भी समझौता किया था। अब गंगा चूंकि इस देश की लगभग 40% जनसंख्या को प्रभावित करती है, उसका जल, उसका प्रवाह,
तो खेती, बिजली, पानी, ये सबका अब एक जिसको कहिए संतुलित विचार करना होगा। गंगा से पानी आपको खेती के लिए लेना है, लीजिए, कितना, कहाँ से, इसका बिना विचार किए हुए तो नहीं होना चाहिए। आप गंगा से ऊर्जा बनाना चाहते हैं तो कैसे, कितनी और किन स्थलों से, इसका विचार करना चाहिए। गंगा में प्रदूषण करने वाले उद्योग अगर उसके किनारे हैं तो उनसे निसृत जो भी प्रदूषित तत्व हैं वो गंगा में न जाएं, या तो वो उनका रास्ता बदलें या उनको शुद्ध करें। ये तो सामान्य चीज है, इसको करने में क्या दिक्कत है? कौन नहीं कर रहा है? हम ही लोग नहीं कर रहे, सभी नहीं कर रहे। भाई देखो कितने राज्य उसमें शामिल होते हैं ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगा, बंगाल, और यमुना गंगा में मिलती है तो उसमें आ गया आपका हरियाणा, पंजाब, और यमुना में चंबल मिलती है तो आ गया मध्य प्रदेश, और गंगा में नदियां आती हैं नेपाल से और भूटान से, तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया मामला। तो कुछ न कुछ ऐसे विचार करने पड़ेंगे। गंगा को बिना समझे खाली बोल देने से तो काम नहीं चलता। तो ये एक भूल हुई है कि गंगा को आपने सांस्कृतिक मूल्यों से नहीं जोड़ा, गंगा को आपने धर्म से नहीं जोड़ा, लोगों के जीवन पद्धति से नहीं जोड़ा, सिर्फ एक नदी माना। देखिए ये तो एक ऐसा सवाल है कि जिसको मैं और आप ही नहीं सारे देश को विचार करना है। हमारे यहाँ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये सारी नदियों को देश की एकात्मता का भी आप स्वरूप देखेंगे ना, सिंध एक तरफ, कावेरी एक तरफ, गंगा यमुना एक तरफ। सरस्वती तो खैर आजकल लुप्त है, प्रकट होगी या नहीं वो बात का सवाल है। तो हमने तो इन सारी नदियों को देश को प्रभावित करने वाली, देश के प्राण स्वरूप माना। अब जो जैसे जैसे हम उसको भूलते गए, शिक्षा पद्धति से, आचरण पद्धति से और आपके नीतियों से, तो उसका परिणाम है। अब वो समझौता तो 1916 का तो हम भूल गए, जिसमें गंगा की निश्चित मात्रा हरिद्वार से वाराणसी तक रहनी ही चाहिए, ये दस्तखत हैं दोनों सरकारों के, यानी उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी और जो यहाँ के गंगा बचाओ आंदोलन के लोग थे उनके हस्ताक्षर हैं उस पर। नहीं तो इसका मतलब है ये झूठ मूठ की कवायद हो रही है, जो गंगा साफ कर देंगे, गंगा साफ हो जाएगी। नहीं, ये तो मैं नहीं कहता, उसमें काम हो रहा है। लेकिन अभी पिछले दिनों कानपुर में अपनी मंत्री आई थी साध्वी उमा भारती, वो सारी योजना बता कर गई हैं, उसके लिए आवश्यक धनराशि बता कर गई हैं, और उन्होंने बार बार ये कहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं और उसमें कुछ नतीजे निकले हैं। जैसे जो ये चीनी का उद्योग है उससे प्रवाहित जल जो पहले आता था वो अब लगभग नहीं आता। कागज उद्योग है उससे जो प्रवाहित होने वाला जल खासतौर पर जमुना में आता था वो नहीं आता है। चमड़ा उद्योग से आने वाले जल के बारे में गंभीरता से विचार हो रहा है, वो बंद होना चाहिए, उसमें जल गंगा जी में सीधे नहीं जाना चाहिए। तो ये सवाल है, उसको हल करने में नई सरकार को कुछ तो समय लगेगा ही। पुराना प्रश्न है, ये हमारे ऊपर एक लीगेसी है, उसको हल करने में जो 50-60 साल की लीगेसी है वो 2 साल में तो हल नहीं हो सकती। लेकिन अभी जब आप कह रहे हैं ना कि अब चीनी मिलों से निकलने वाला कचरा नहीं जाता, जो चमड़ा उद्योग है उसका नहीं जाता, नहीं, तो उसका तो जा रहा है अभी, पर उसको रोका जा रहा है। लेकिन इस दौर का एक दूसरा सच यह भी है जोशी जी कि हमारी इकोनॉमी डामाडोल हो गई, इंडस्ट्री बंद हो रही है, प्रोडक्शन लोएस्ट पे चला गया है, और उसके बावजूद भी हम उन सवालों को देख रहे हैं जिस सवालों को आप एक वक्त खारिज कर चुके हैं, चाहे वो FDI का सवाल क्यों ना हो। देखिए ये भी एक जटिल प्रश्न है। कुछ मामलों में मैं ऐसा समझता हूँ कि निर्णयों पर फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें FDI घोषित करने के बाद शायद बाद में पता चल रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी है, इसमें FDI का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही जो ये तत्व
बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें वो नहीं होना चाहिए, इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, करना चाहिए, मांग भी है इसकी। और मैं समझता हूँ बार बार वित्त मंत्री और कॉमर्स मंत्री लोगों से बात कर रहे हैं उस पर, ये हो सकता है कि एक बिंदु तक दोनों सहमत हों और एक बिंदु के बाद दोनों असहमत हों, वो असहमति की गुंजाइश तो जनतंत्र में रहनी चाहिए। लेकिन ये कितना सही है कि जिस इकोनॉमी की तरफ हम लोग देखते हैं दुनिया में, जो विकसित इकोनॉमी के तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज में माना जाता है, वो इकोनॉमी आइडियल सिचुएशन है भारत के लिए, ये सही है क्या? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि इकोनॉमी हर देश की परिस्थिति, उसकी भूगोल, इतिहास, उसकी क्षमता, इन सबको देख करके उसका विचार होता है। ये कहना कि सारी दुनिया में एक सी इकोनॉमी होगी, एक ही सिद्धांतों पर चलेगी, ऐसा नहीं है। चीन ने जो तरक्की की है, जिसको तरक्की कहते हैं हम लोग, वो अमेरिका के सिद्धांतों पर चलकर नहीं की, और बराबर की टक्कर ले रहा है। तो और रूस पहले जिन सिद्धांतों पर चलता था और एक समय महाशक्ति बना था, बदल गया। हम भी अपने यहां जिन चीजों के आधार पर पहले बड़े आगे बढ़े थे, उनमें हमने बदलाव लाया, क्यों? बिल्कुल। तो ये एक जो ये धारणा है कि इकोनॉमी यूनिवर्सल है और उसके सारे सिद्धांत विश्व भर में लागू होते हैं, तो वो टंड्रा में कैसे लागू होंगे? आखिरकार को अगर वहां कुछ है ही नहीं, वो भोजन कहां से लाएगा? वहां जलवायु अलग है, प्राकृतिक संसाधन अलग प्रकार के हैं। तो इन सबको ध्यान में रख करके अर्थव्यवस्था बनती है। जो मेरी निगाह में जो बात हमसे हमारे देश में हमने बुलाई, वो ये कि हम ये नहीं जानते कि हमारे देश में भी अर्थशास्त्र के चिंतक थे, हुए थे, और उन्होंने भी अर्थव्यवस्था के बहुत से सिद्धांतों पर गहन चर्चा करके कुछ बातें बताई थी। आखिर शुक्र नीति है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, बाजार से भाव, खरीद फरोख्त, उसके नियम, मजदूरी के नियम। कौटिल्य की नीति है, अर्थशास्त्र है, उसमें तमाम नियम कानून, सरकार कैसे बने, मंत्री का चुनाव कैसे हो, और सुरक्षा की क्या व्यवस्था हो, कोष कैसे चले और टैक्स कैसे था ना। और अंग्रेजों के आने से पहले आखिर, या मुसलमानों के आक्रमण के पहले भी, देश का व्यापार तो यूरोप से भी था, मिस्र से था, और अब तो ये पता लग रहा है कि शायद वो मेक्सिको से भी था, इंडोनेशिया से, या इधर के द्वीपों से तो बहुत स्पष्ट ही था, बड़े बड़े जहाज से जाते थे। तो इसका अर्थ है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे तो कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी व्यवहार जानते ही होंगे, ऐसे मूर्ख तो हम नहीं थे। तो फिर अब क्यों हो गए मूर्ख?